हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आपने देखा होगा, एक मेरा प्लान है कि आपको जो लास्ट के 5 महीने है ना, जनवरी से लेकर के ये मई तक के, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले जो रहेगा वो मई, अप्रैल एंड मार्च, ये 3 महीने मिलेंगे। सेकंड पार्ट में आपको जनवरी एंड फरवरी के मिलेंगे। जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जैसे सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, सिलेक्शन पोस्ट हुआ, और अन्य एग्जाम भी अदर स्टेट के कहीं भी आप देना चाहते हैं, तो के लिए आपके बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 500 क्वेश्चन में लगभग मेजोरिटी सारी चीजें कंप्लीट करा दूँ। और हाँ, एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला है सीजीएल वालों के लिए, प्लस जीके का क्विज और इंग्लिश का क्विज आपको फ्रीली मिलेगा। मैं लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक टेलीग्राम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। ज्यादा समय ना लगाते हो क्योंकि आपका भी समय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। और कोशिश करिएगा 2x में देख लीजिए और 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा चीजों को ज्यादा कम समय में कंप्लीट करने का, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा और ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अपनी तैयारी में है और उस चीज में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, अभी नई चीजें नहीं बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी? कौन है? नलिनी प्रभात, याद रखिएगा, नलिनी प्रभात। ठीक है, अब 6 साल में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली तस्वी वघानी किस खेल से संबंधित है? तो वो है स्केटिंग से, स्केटिंग से, याद रखिएगा, स्केटिंग से उनका रिलेशन है। हु हैज बिकम सेलेक्टेड एज अ बेस्ट मेल प्लेयर इन द हॉकी इंडिया अवार्ड 2023? तो हार्दिक सिंह है वो। हार्दिक सिंह को क्या मिला है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी से चुना गया है। ठीक है, और विच एनजीओ हैज रिसेंटली रिसीव द मोस्ट ट्रस्टेड एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड? तो है वो इस्कॉन भिवंडी। इस्कॉन भिवंडी, भिवंडी कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, रिसेंटली डिस्कस नटांज, ठीक है, नतांज और फोर्ड परमाणु, फोर्ड न्यूक्लियर साइट आर इन विच कंट्री? किस कंट्री में है नतांज? फोर्ड परमाणु किस कंट्री में है? ईरान में है, याद रखिएगा। ठीक है, ईरान। हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ एस्कॉम? एस्कॉम के संजय नागर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और हाँ, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो लोग वहां पे हैं डायरेक्ट वहां से ले सकते हैं। विच इज इंडिया बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन पोखरान? तो कौन सा है? गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति। अब देखिए, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कि डायरेक्टली उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी डिस्कस तो करूंगा, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा आपका, बट वो चीजें भी यहाँ से आप गेन कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ, वो चीजें आप याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे अगर मैं बात करूँ मित्र शक्ति की, और इस बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था, तो मित्र शक्ति कहाँ का है? इंडिया और श्रीलंका का है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका का है, याद रहेगा, इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र शक्ति। दूसरा अगर मैं बात करूं, लिख लीजिएगा आप, स्लीनेक्स, स्लीनेक्स कहाँ का है? इंडिया और श्रीलंका का है, इंडिया एंड श्रीलंका का, ये भी ठीक है, याद रहेगा, श्रीलंका। मैं ज्यादा साफ से नहीं लिख रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है ना, तो दिक्कत होती है लिखने में। फिर ठीक है, वज्र प्रहार कहाँ का? मैं कुछ चीजें ओरली बोल दे रहा हूँ। वज्र प्रहार कहाँ का है? वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस। ठीक है, वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस। कोप इंडिया, कोप इंडिया कहाँ का है? इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस। मैं सारी इंडिया से रिलेशन वाली बता रहा हूँ। गरुड़ा कहाँ का है? गरुड़ा, गरुड़ा है आपका इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, गरुड़ भगवान से याद रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। अब अगर बात करें नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट वो कहाँ का है? तो ये है इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, आई होप कि ये याद रहेगा। तो इतना मैं बता दिया, काफी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया का है। और अगर थाईलैंड की बात करें, तो थाईलैंड से कौन सा है? मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड का है। ठीक है, तो आई होप ये याद रहेगा। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड? साइमन हैरिस, साइमन हैरिस को मतलब सबसे कम उम्र में आयरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। हु माफ कीजिएगा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन सेंट टू रिसीव यूएसए प्रेसिडेंशियल अवार्ड? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संत कौन बने हैं? जैन आचार्य लोकेश, जैन आचार्य लोकेश। ठीक है, याद रखिएगा, जैन आचार्य। नाम देखिए, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है ना, जब आप दोबारा तिबारा इसको 2 बार वीडियो को देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में नाम याद रहेगा। ठीक है, और एक बार पीडीएफ से भी गो थ्रू हो जाएंगे जाके, टेलीग्राम से लेकर के, तो वहां से भी आपको चीजें याद रहेंगी। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
हु हैज बीन गिवन द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, किसको मिला 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? अमिताभ बच्चन। और ये 2000 इसके पहले जो था वो नरेंद्र मोदी जी को 2022 में भी मिला था। विच पोर्ट हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट? कार्गो पोर्ट सबसे बड़ा कौन सा बन गया है? प्रदीप पोर्ट, उड़ीसा का प्रदीप पोर्ट। टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं इंडिया में? 13 हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं, जिसमें से कि सबसे ज्यादा अगर बात करें ओवरऑल में जो छोटे बड़े सब मिला के, तो वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है? वो है 53 पोर्ट है, बंदरगाह है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल एयरपोर्ट है, आर्टिफिशियल एयरपोर्ट, अरे सॉरी एयरपोर्ट माफ कीजिएगा, पोर्ट है, ठीक है। और दूसरा ही वो कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है, वो कंटेनर पोर्ट भी है। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पे है? बेलापुर में, ठीक है, बेलापुर में। तो याद रहेगा मेरे हिसाब से, मैं चीजें ज्यादा बोल दे रहा हूँ, लिखने पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द रिसेंट रिलीज इन हुरान ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में? तो इंडिया का रैंक कितना था? तीसरा था। आपको बताना है पहला दूसरा किसका है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च करिए चाहे जैसे आप बताएं, क्योंकि जब बताएंगे तो चीजें याद रहेंगी। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? कौन पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट बना है? वो है गोपी चंद थोथाकुरा, थोथाकुरा, ठीक है। इंडिया रिसेंटली टॉक अबाउट बीपी द रिसेंट टॉक अबाउट बीपी कोलंबो मिशन किससे रिलेटेड है? कौन एजेंसी बनाई है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ईएसए मतलब कि यूरोपियन एजेंसी है, और यूरोपियन एजेंसी है, और जाक्सा मतलब जापान की एजेंसी, ये दोनों ने मिलके इसको ज्वाइंटली बनाया है। और बेसिकली ये क्या, कौन सा मिशन है? मरकरी के लिए मिशन है, मरकरी, मरकरी मिशन है, याद रखिएगा मरकरी मिशन। कई बार डायरेक्ट पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो मरकरी मिशन से रिलेटेड है। वेयर इज आफ्रा टेंगल लोकेटेड? आफ्रा टेंगल कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। आफ्रा टेंगल कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ये याद रहना चाहिए, आफ्रा टेंगल बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में है, और ये ईस्ट अफ्रीका में है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली है। अब ग्रेट रिफ्ट वैली का क्या होता है, मतलब रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली जो दरार पड़ जाती है ना और वो बीच में जगह खाली हो जाती है, उसी को रिफ्ट वैली कहते हैं, जो जगह खाली हो जाती है। जैसे दो रिवर है, उसके बीच में आप देखेंगे जमीनें फट जाती हैं, तो वो टाइप का होता है। तो वो जब बड़े लेवल पे होता है ना, तो वो ग्रेट रिफ्ट वैली हो जाता है, और जैसे ओशन ओशन में होगा ट्राइंगल टाइप का बन गया, वो चीजों को बोला जाता है। रिसेंटली जिम्बाब्वे हैज लॉन्च द न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी, कहाँ कौन सा लॉन्च किया है? जिग। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। हरारे क्या है? कैपिटल है जिम्बाब्वे की, याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ 16th फिनांस कमीशन? कौन किया गया है? अरविंद पंगेरिया जी किए गए हैं, और ये पहले क्या थे ना, पहले वाइस चेयरमैन थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे किसके? नीति आयोग के, नीति आयोग के, आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के। और नीति आयोग कब बना? 2015 में बना। किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। थोड़ा सा राइटिंग की वजह है, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है, इसमें डॉक फाइल है। तो और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि प्लानिंग कमीशन इसके पहले कौन थे? तो एन के सिंह थे, एन के सिंह थे इसके पहले चेयरमैन थे फिनांस कमीशन के। फिनांस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? तो 280 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 280, ठीक है, याद रहेगा। हु हैज बीन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। हु हैज बीन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो पोस्ट होती है जो कि जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा किया गया हो, ठीक है, वो बाद में ऐसा कुछ नहीं कि एड ऑन किया गया हो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ नेवी, ठीक है, चीफ नेवी कौन बनाया गया? डी के त्रिपाठी। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ आपको, आर्मी चीफ बताना है, आर्मी चीफ कौन है? मैं वाले वैसे वीडियो में आपको चीजें एक्सप्लेन कर दिया है, बट आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ इस समय पे जो नए वाले बने हैं वो उपेंद्र उपाध्याय, उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं, और इसके पहले कौन है थे? मनोज पांडे, मनोज पांडे इसके पहले थे। अभी कौन है? द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी हैं, ठीक है, द्विवेदी जी, याद रहेगा। रिसेंटली जापी हट गिवेन जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आसाम, ठीक है। जापी हट किससे रिलेटेड है? आसाम से। आसाम में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 7। आसाम में क्या बोलते हैं, अगर बात की जाए तो वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। काजीरंगा बहुत फेमस है, क्योंकि वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। रिसेंटली इंडिया हैज टेक ओवर द ऑपरेशन ऑफ विच फॉरेन पोर्ट? कौन से? सितवे पोर्ट म्यांमार का। म्यांमार के पहले नाम क्या था? बर्मा नाम था। 1936 में इसको, 1935 वाले एक्ट के बाद 1936 के अराउंड में इसका नाम, मतलब कि ये इंडिया से अलग हो गया था,
ठीक है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो JNU को मिला है इंडिया से पहली रैंकिंग। ठीक है, द रिसेंट डिस्कस माधवपुर फेयर कहाँ से है, माधवपुर फेयर कहाँ का है, गुजरात का है। रिसेंटली सांझी क्राफ्ट कहाँ का GI टैग मिला है, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि भी है, ठीक है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि भी है, आपको पता होगा वृंदावन में, मथुरा में है वैसे तो, वृंदावन में बहुत फेमस है। ठीक है, वहां पे टेम्पल्स और इन चीजों के लिए जाना जाता है। रिसेंटली फेमस वर्ल्ड वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जॉन टिनिस वुड बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये इंग्लैंड के थे और बेसिकली इनका एक लगभग 111 वर्ष तक ये जिए हैं। कितने वर्ष तक, 111 वर्ष तक, 111 वर्ष तक जिए हैं, 111 वर्ष 288 दिन तक ये जिए हैं। तो याद रखिएगा, कई बार ये भी डायरेक्ट आपसे SSC जैसे एग्जामों में पूछ देता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड के थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर ऑफ द ब्रिटेन टू इंडिया, तो वो कौन थी, लिंडिन कैमरून। रिसेंटली हाल ही में अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट को GI टैग मिला है, अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट को, कहाँ का है, गुजरात का। गुजरात का एक और था, वो आपको फिर से जाके देखना चाहिए, कौन सा था, गुजरात का। आसाम का भी था एक, गुजरात का भी था GI टैग। विच इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेड बाई AI टेक्नोलॉजी, इरा 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 को क्या मिला है, पहला AI टेक्नोलॉजी वाला फिल्म बनाया गया इंडिया में। ठीक है, रिसेंटली फेमस गंगौर फेस्टिवल कहाँ का है, राजस्थान का, गंगौर 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 कहाँ का, राजस्थान का। रिसेंटली पॉपुलर उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ का है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये दोनों पहले एक ही थे, 2014 में अलग हो गए हैं, दोनों अलग अलग राज्य बन गए हैं, और टोटल राज्य कितने इस समय, 28 राज्य हैं, 9 UTs हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि उगाड़ी जो वहाँ का फेस्टिवल है, ये वहाँ का न्यू ईयर के लिए भी जाना जाता है, न्यू ईयर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, विच क्रिकेटर रिसेंटली हिट 6 सिक्सेस इन अ T20, तो वो है दीपेंद्र सिंह आयरे, ये कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे पहले कौन से मारे थे, युवराज सिंह मारे थे, कौन से वर्ल्ड कप में, 2007 वाले वर्ल्ड कप में, और यही इस समय ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ये, और हुसैन बोल्ट ब्रांड एम्बेसडर है T20 2024 के। ठीक है, T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट। हुज रिसेंट पॉपुलर बुक इज जस्ट मर्सरी मैसनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, डी सुब्बा राव, याद रखिएगा। रिसेंटली काथियावीट हैज बीन GI टैग, काथियावीट कहाँ से है, काथियावीट उत्तर प्रदेश का GI टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट पॉपुलर बुक प्लानिंग फॉर इंडिया एंड अर्बनाइजेशन, इस बुक को किसने लिखा है, विद्याधर पाठक जी ने, विद्याधर पाठक जी ने, कौन से बुक को, प्लानिंग फॉर इंडिया अर्बनाइजेशन। द रिसेंट पॉपुलर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख का है, लद्दाख में आपको पता चल जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और ये बेसिकली स्नो लपाट के लिए फेमस है। ठीक है, स्नो लपाट के लिए फेमस है। जो जो चीजें मेरे उसमें आती रहेंगी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन पे अगर चला जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा, और अभी आपके पास समय कम है इसलिए मैं इस चीज को प्रिफर कर रहा हूँ। व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस ग्रीन नोबेल को अवार्ड कॉल्ड, ग्रीन नोबेल अवार्ड क्या है, गोल्डन मैन इन्वायरमेंट प्राइज। ठीक है, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज फॉर 2024, आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला जी को मिला है। ठीक है, द रिसेंटली डिस्कस्ड हसदेव फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, हसदेव फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, रायपुर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप बताइएगा कि CM कौन बना है, मुख्यमंत्री कौन बना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गिवन द गोल्ड मैन इन्वायरमेंट प्राइज, कौन किसको पहला मिला था, मेधा पाटेकर को, ये कौन थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनका अभियान था, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, और जिसमें कि नर्मदा रिवर की सफाई के लिए बात की गई थी। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप, कौन सा, HDFC। लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, करावती, करावती। ठीक है, कारावती है। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किससे डिफ्रेंशिएट करता है, तो मिनी कॉय, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, 8 डिग्री किसकी बात करता है, तो मिनी कॉय और मालदीव की, मालदीव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 9 डिग्री की, तो किसकी बात करता है, मिनी कॉय और लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप। ठीक है, आपको पता है ना मोदी जी जाके बैठ गए थे और पूरा मालदीव डूब गया था। 10 डिग्री किसका है, अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार के बीच में, याद रहेगा ये, अब तो याद रहेगा 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्ड, हु हैज बीन गिवन द रिसेंटली डिस्कस इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024, प्रोफेसर मीना चंद्रबा चंद
चरंदा, ठीक है। रिसेंटली जीआई टैग सितार और तानपुरा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, याद रहेगा। हुज ऑटोबायोग्राफी इज रिसेंटली डिस्कस्ड द विनर माइंडसेट। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद ही लिखा हो, सेन वॉटसन। सेन वॉटसन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के ये ऑलराउंडर, गेंदबाज और बॉलर दोनों, बैट्समैन दोनों थे, ठीक है। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब चीजें ईजी है। Who has been chosen as the world best airport according to the Scattered World Airport Award 2024? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की, याद रहेगा, कतर की राजधानी है। Which European country has recently legalized the possession of cannabis? किस कंट्री ने, यूरोपियन भाग ने भांग को वैध कर दिया है रोपण करने के लिए, मतलब आप उगा सकते हैं, तो वो कौन सी है? जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है? नशेड़ी है भाई पूरा। Who has recently become the first woman judge ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर की कौन सी पहली महिला जज बनी है? वो है भावना केसर। भावना केसर, याद रहेगा, भावना केसर। कहाँ की? भावना जगा दी है भाई जम्मू एंड कश्मीर में, पहली महिला बन के, ठीक है, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, कि भाई हम भी बन सकते हैं। हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, युवराज और हुसैन बोल्ट, युवराज और हुसैन बोल्ट। वेयर हैज द रीसेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन सेटअप? कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बना है? गुजरात में। गुजरात में आपको ये भी मैं बता दूं कि चिप की सबसे बड़ी फैक्ट वो भी बनी है, चिप, चिप सेंटर भी कहाँ पे? धोलेरा में। धोलेरा में इंडिया का सबसे बड़ा है, धोलेरा में, गुजरात धोलेरा में। और अगर वर्ल्ड की बात करूं तो ताइवान है नंबर वन पे। कौन है? ताइवान है, याद रहेगा, ताइवान चिप में नंबर वन पे है। और इंडिया में कौन है? धोलेरा है, याद रहना चाहिए ये, चिप मैन्युफैक्चरिंग में। रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर? रोमानिया। रोमानिया, ठीक है। वेयर वॉज द रिसेंट 75th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हेल्ड? ठीक है, तो ये है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर 75th कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इन विच स्टेट रिसेंटली डिस्कस ब्रू कम्युनिटी? ब्रू कम्युनिटी कहाँ की है? तो देखिए, त्रिपुरा में भी पाई जाती है, आसाम में भी, मिजोरम में भी, ये पास में ही है सारे। और आसाम में और कौन सी है? तो गारो, खासी, जयंतिया, और ये कुछ पार्ट, जयंतिया, ये कुछ पार्ट आपको मेघालय में भी मिल जाता है, ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB? सैफ अली शरण, सैफ अली शरण, ठीक है। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द रिसेंटली डिस्कस सीएम महिला सम्मान स्कीम? सीएम महिला सम्मान स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट। सीएम महिला सम्मान स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट। हुज रिसेंट पॉपुलर बुक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर? सलमान रशीद। सलमान रशीद कौन है? ये कांग्रेस के एक नेता भी है, ठीक है। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन, और ये एडवोकेट भी है, आपको पता होगा। Who has become India's first woman jury in the recent Paris Olympic 2024? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पहली महिला जूरी कौन बनी है? तो वह है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर, whose book is recently discussed the idea of democracy? कौन है? सैम पिथोरा। सैम पिथोरा एक इंजीनियर भी है, ठीक है, याद रहेगा ये। डस्कलिन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। कुछ एक्सरसाइज मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है, ठीक है। विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसेंट ग्रीन क्रेडिट फील्ड? ग्रीन क्रेडिट फील्ड कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश थोड़ा सा पथरीला जगह है, इसलिए समझ लीजिए कि वहां पे ग्रीन चीजों को ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, इसलिए ग्रीन क्रेडिट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। द रिसेंट सेंजाहू 18 मिशन किसका है? सेंजाहू मिशन, देखिए ऐसे नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि चाइना या जापान हो सकता है, और ये साउथ कोरिया, इन तीन कंट्री में से। तो ऑप्शन में से आप दो तो एटलीस्ट इलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग हो गए, और इसका आंसर है चाइना। व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस सीडोम? सीडोम क्या है? एक एंटी डिफेंस वो है, नवल एंटी डिफेंस एयर सिस्टम है। कौन किसका? इसराइल का। बेसिकली क्या करता है, ये ड्रोन टाइप पे क्रिएट कर देता है, कुछ भी मारो उस पर वो चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये किसका है? इसराइल का है। Whose recently discussed book, Knife, a harrowing tale of resilience and the fight for free speech? सलमान रशीद, ठीक है। अब आते हैं, Who has become the second Indian person to appear on the cover page of Newsweek magazine? तो इसके ये है PM नरेंद्र मोदी हैं, जो कि दूसरे भारतीय हैं जो कि इसके कवर पेज बने हैं। इसके पहले कौन बना था? तो इसके पहले बनी थी इंदिरा गांधी भाई, ये आयरन लेडी थी, ऐसे ही नहीं, ठीक है। इन्होंने जब पोखरान में टेस्ट उस समय पे कर दिया था 74 के राउंड में, जबकि यूएसए और ये उस समय इंडिया को उतनी पावरफुल भी नहीं थी, उसके बाद भी इन लोगों ने कर दिया था, और ये देन थी इंदिरा गांधी की, तो बहुत ही पावरफुल रही है ये, और मतलब लेडी वो रही, इसीलिए आयरन लेडी भी इनको बोला जाता है। और 70 इनका एक इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता ही होगा कि चीजें क्या हुई थी, और 1976 में इन्होंने 42nd अमेंडमेंट किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें कि वर्ड सेकुलर भी ऐड किया गया था, सेकुलर भी ऐड किया गया था, ठीक है।
हाँ, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एज आईएमएफ, कौन है? क्रिस्टेनिया जॉर्जिया। और ये पहली चीज, आईएमएफ क्या है ना, ब्रिटेन वुड का पार्ट है। ब्रिटेन वुड में दो कंट आती हैं, एक वर्ल्ड बैंक आता है और एक आईएमएफ आता है, ठीक है, आईएमएफ। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। थोड़ा सा राइटिंग में चाहिएगा। विच रिसेंटली डिस्कस पॉइला बैसाख फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? बांग्लादेश। रिसेंटली अंडर हु चेयरमैनशिप हैज कमिटी हैज बीन फॉर्म टू वेलफेयर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी? LGBT ये लगभग 5 प्रकार की वो होती हैं, जिसमें बाकी हर ग्रुप को जिसको थोड़ा सा सोशली चीजें लोग एडॉप्ट नहीं करते हैं, लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर कमेटी थी। तो उसके कौन थे? राजीव गुबा। राजीव गुबा कौन है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी है इंडिया के, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो IAS की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। ठीक है, हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि इस पे स्लिप हो रहा है, तो पीपीटी होती है तो उस पे चीजें थोड़ी सी प्रॉपर जाती हैं, ठीक। विच हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी यूज एज हाइब्रिड? हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी कौन सा स्टेडियम यूज किया? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, HP, हिमाचल प्रदेश। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो साइबर सूचांक में सबसे ऊपर कौन चला है? रसिया। रसिया की लड़ाई किससे चली? यूक्रेन से। तो वहां पे साइबर का सबसे बड़ी समस्या चल रही। रिसेंटली विच स्टेट यूटीज सोमपेन ट्राइब हैज बीन गिवन वोटिंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम? अंडमान निकोबार की जो सोमपेन ट्राइब है, उनको पहली बार वोटिंग राइट मिल गया, ठीक है। टाइटन, टाइटन किस क्या है? सैटर्न का मून है। तो उसपे कौन कौन मिशन लॉन्च किया है? टाइटन, नासा, सैटर्न पे, ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 में शनि के, चंद्रमा, टाइटन के लिए एक मिशन घोषणा की है? कौन सी? नासा ने। नासा ही कर सकता है, नासा अभी तो मान लो थोड़ी ठीक है, थोड़ा एलन मस्क भी मतलब है, ठीक है, लेकिन नासा इस चीज में बहुत ज्यादा अभी आगे रहा है, और इसरो तो है ही। स्पेशल 301 रिपोर्ट किसका है? USTR, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। रिसेंटली विच पर्सनालिटी हैज बीन गिवन द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है, अवंतिका वंडनापू। नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है ना जिसको प्रोनाउंसिएशन करना उस एरिया के ही चीजों के लिए, लोगों के लिए सही रहता है, थोड़ा हमारे लिए हर एरिया का अलग अलग एक टोन होता है, लैंग्वेज होती है, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें इसमें आती है। द रिसेंट फेमस लॉन्गटे फेस्टिवल किसका है? वो है निसी ट्राइब और अरुणाचल प्रदेश का, निसी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश का। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बीन बिल्ड? कहाँ का? अल मक्थौन एयरपोर्ट दुबई का, ठीक है, मक्थौन एयरपोर्ट दुबई। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर द फर्स्ट सेक्स रिलेशन इज द क्राइम हैज मेड प्रोविजनल एंड पनिशमेंट ऑफ 15 साल? अगर मतलब सेम सेक्स में आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की? 15 साल की। कौन सी कंट्री की है? इराक। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबदार हैज बिकम द पीएम ऑफ विच कंट्री? कुवैत। कुवैत के कौन पीएम बने हैं? ये पीएम बने हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, इतना बड़ा नाम और कहाँ का होगा भाई, कुवैत याद रखिएगा, ठीक है। रिसेंटली डिस्कस रामपेज मिसाइल कहाँ का? इसराइल का है। रामपेज मिसाइल इसराइल का, रामपेज मिसाइल, राम से याद रखिएगा, इसराइल पे राम का दया भाव है। वेयर इंडिया फर्स्ट पोस्ट इस्टेब्लिश इट्स पोस्ट ऑफिस अब्रॉड रिसेंटली? भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी बीन लॉन्च रिसेंटली? IIT मद्रास, IIT मद्रास, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट फेमस बुक रेड लाइट? केशव भारद्वाज, केशव भारद्वाज। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज H2 पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन सेटअप? कहाँ पे हुआ है? नागपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, कहाँ पे? HP में। HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। किस रिवर पे? सतलज, सतलज, ठीक है, सतलज रिवर पे। हु पास्ड अवे रिसेंटली? नोन एज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, सुधीर के काकर। हु इज द फर्स्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फेस क्रिमिनल ट्रायल? डोनाल्ड ट्रंप, जिनको पहली बार उनको फेस करना पड़ा क्रिमिनल ट्रायल। हु बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च मेन 5 CV मेनिंगटाइट्स वैक्सीन रिसेंटली? तो कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पे? अफ्रीका में है। द रिसेंटली डिस्कस ग्लेशियर लेक चेम्पांग घाट लेक कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, चेम्पांग घाट हिमाचल प्रदेश। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट डेवलपिंग बाई अडानी ग्रुप? कड़वा गुजरात, कवड़ा गुजरात, कवड़ा गुजरात में पहला कौन सा बन रहा है लार्जेस्ट पावर प्लांट? किससे? अडानी ग्रुप से। द रिसेंटली डिस्कस सेफ्टी रवांडा विल, सेफ्टी रवांडा यूके का।
व्हेन डज द इसरो एम टू फ्री स्पेस मिशन फ्रॉम द डेब्रिस, कौन 2030 में डेब्रिस फ्री मुक्त, मतलब कि मलबे से जो अंतरिक्ष में मलबे घूमते हैं उससे मुक्त लक्ष्य रखता है इसरो 2030 तक, ठीक है। हु हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ब्यूल्ड सेटेलाइट TSAT-A1, इसको कौन करता है, TASL और स्टेलोजिक, स्टेलोजिक याद रहेगा कौन सा, TSAT-A1A। G7 एनुअल समिट 2024 कहाँ होगा, इटली में। अगला कहाँ होगा, कनाडा में। 2025 वाला कहाँ होगा, कनाडा में। कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री है, तो देखिए उधर यूएसए है और कनाडा है, कहाँ पे यूएसए कनाडा कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका की है, याद रहेगा यूएसए कनाडा कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की है। अब फिर इधर आ जाइए यूरोप में, तो कौन सी है, फ्रांस है, इटली है, यूके है, ठीक है, और जर्मनी है। चार कंट्री यहां से हो गई, छह हो गया। और यूपी, अरे एशिया से कौन है, जापान है। यूपी कहां से आएगा, इंडिया ही नहीं पहुंच पा रहा है अभी तो G7 में, ठीक है। तिरंग बर्फी विच रिसेंट, तिरंगा बर्फी माफ कीजिएगा, तिरंगा बर्फी किस डिस्ट्रिक्ट का बना है GITEC, तो यूपी उत्तर प्रदेश। तिरंगा तीन कलर का ही होता है। बाई विच ईयर इंडिया सेट टारगेट टू एंड इम्पोर्ट ऑफ यूरिया, 2025, 2025 से इंडिया इम्पोर्ट करना बंद कर देगा। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस कहाँ का है, ईरान का। इन विच स्टेट इज द न्यू टेस्टिंग साइट बींग स्टार्टेड बाई DRDO, जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल, क्योंकि थोड़ा सा वेस्ट बंगाल साइड वो चीजें आसान होती हैं। प्रत्यूष विच वॉज इज डिस्कशन रिसेंटली, हाल ही में चर्चा में प्रत्यूष क्या है, रेडियो टेलोस्कोपिक डेवलप्ड बाई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरो। इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टू बी ऑपरेटेड बाई अडानी ग्रुप इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये है केरला में, कौन से, विंजम पोर्ट पे। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली बुक इंडिया द रोड टू, ये तो मैंने अभी बताया था, भीमसेन चल्ला, ठीक है। हाँ, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट जीन थेरेपी, जीन थेरेपी कार टी थेरेपी जो है ये क्या करता है ना, कैंसर से राहत देता है, ये कौन संस्था लॉन्च की है, मतलब इस पे वो की है, तो ये है IIT बॉम्बे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ये अप्रैल मंथ का था, इसके पहले आपने जो देखा वो मई का था, अब नेक्स्ट आप जो देखेंगे मार्च का, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, कि ताकि आप एक बार रिविजन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।